विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के लिए इकोनॉमिक्स का ही कोर पेपर 11 पर बात करने वाले हैं। यहाँ हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकसित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है। आप लोग जानते ही हैं कि विकसित देश मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पर पूंजी निर्माण बहुत तेज़ी से होता है, जिसको हम रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाई लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जीवन स्तर जो होता है, रहन सहन का जो स्तर होता है वो उच्च होता है। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा खासा होता है, यानी कि इनमें से सभी जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था की ही विशेषता है, डेवलप्ड इकोनॉमी का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार पूछ भी चुका है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड शब्द है ना, ये विकासशील देशों के संदर्भ में यूज में लाया जाता है। विकासशील देश के कई सारे नाम हैं, जैसे कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, कम विकसित अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान देश और जनाधिक्य वाले देश। जनाधिक्य का मतलब जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। तो खास करके इस तरह के जो है नाम दिए गए हैं, विकासशील देश का ही ये नाम है, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड या फिर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। देखिए, पूंजी निर्माण दो तरीके का होता है, भौतिक पूंजी निर्माण है ना, और मानव पूंजी निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण पूछ रहा है कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। तो ध्यान से समझिए कि मानव कोई जो है वो पूंजी कब बनता है। मानव खुद भी यानी कि एक संसाधन के तौर पर है, एक कैपिटल के तौर पर है। तो मानव जो है पूंजी तभी बनेगा जब वह शिक्षा लेता है, प्रशिक्षण लेता है अनुभव से, या फिर अपनी जो तकनीकी ज्ञान है उसकी मदद से कहीं ना कहीं देश के GDP में अपना योगदान देता है या कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग जो है वो मानते हैं क्या, मानव पूंजी। अब समझिए कि मानव पूंजी में बाधा कौन उत्पन्न करता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, बाधा तो उत्पन्न करेगा ही, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता, यानी कि खाद्य पदार्थ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिस पर माल्थस ने भी डिटेल में बात किया है कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर तरीके से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न वस्तुएं जो है वो अंकगणितीय तरीके से बढ़ती है, और यही अभाव का जो है मूल कारण है। तो ये जो है बढ़ती जनसंख्या जो है वो चिंता का विषय होता है, किसके लिए, मानव पूंजी में निर्माण में बाधा डालने के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, ब्रेन ड्रेन, इस शब्द को कई बार इस्तेमाल में लाया गया इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा। ब्रेन ड्रेन शब्द का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जब कोई शिक्षित व्यक्ति या बड़ा पर भी जो कह सकते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के चक्कर में वो अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इस तरह से हम उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी कि ब्रेन जो है वो ड्रेन कर गया, दूसरे जगह चला गया, यानी कि एक अच्छा जो ब्रेन था, एक अच्छे जो शिक्षित व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो सुख सुविधाओं की वजह से ही अपना देश छोड़ करके जहाँ उन्हें बेहतर मिल रहा था सुख सुविधाएं, वहाँ पर वो चले गए। इसका मतलब हो सकता है नौकरी के लिए भी गए होंगे, व्यापार के लिए भी गए होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रतिभा पलायन भी बोलते हैं और ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। सो ब्रेन ड्रेन भी क्या है, एक पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता ही है, यानी कि जो अपने देश की पूंजी थी, अपने देश का जो शिक्षित व्यक्ति था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वो दूसरे देश में चला गया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्या, शिक्षा का निम्न स्तर, हमारे देश में भी ऐसी स्थिति है ना, हमारे यहाँ पर भी एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो लो है। सो शिक्षा का निम्न स्तर कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इनमें से सभी जो है मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, मानव पूंजी तभी कोई बनेगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और अनुभवों को जोड़ करके जो है तैयार होता है कोई एक व्यक्ति। सो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मानव पूंजी निर्माण होता कैसे है और उसमें बाधा कौन कौन उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में होते हैं। देखिए, विकासशील जितने भी देश हैं, यानी कि थोड़ा सा विकास हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम बार बार वही चीज़ें कहते हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। यहाँ पर भी ठीक वही मामला हुआ है, थोड़ा सा विकास हुआ है, थोड़ा है बाकी, यानी कि यहाँ पर शिक्षा का निम्न स्तर रहता है। सो यही आपकी जो है सही और सटीक जवाब है। बाकी आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है कि आय के वितरण में ऊंचे स्तर की समानता, समानता कह रहा है, समानता तो बिल्कुल नहीं भाई। भारत में आप देख सकते हैं विकासशील देश है भारत, और यहाँ पर आय की असमानता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या, निम्न शिशु मृत्यु दर, ऐसा है क्या भारत में, निम्न शिशु मृत्यु दर का मतलब कम जो है यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो रही है ना, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो प्रति एक हज़ार बच्चों में से आप देखेंगे तो यहाँ पर मृत बच्चों की संख्या ज़्यादा है ना। हालांकि उस पर हम लोग कंट्रोल करने की लगातार कोशिश में है ना, भारत इस पर संदर्भ में लगातार काम कर रहा है और बाकी देश भी इस पर काम करते हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय, हम लोग कहते हैं ना बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं,
तो मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो, दोनों ही जब जब बढ़ेंगे तो देश के लिए खतरा है एक तरीके का, यानी कि हमारा हेल्थ स्टेटस जो है बेटर नहीं हो पा रहा है, हमारा हेल्थ इंडिकेटर बहुत ही नेगेटिव दिखाया जा रहा है या फिर कम है, लो है। तो हमें जो है वो अपना स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है, रखना है, तभी जाकर के इस तरह जो है स्थितियां पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। तो हमारे लिए यहाँ पर यानी कि विकासशील देशों के संदर्भ में सिर्फ एक ही बात सही है, वो क्या है कि यहाँ पर शिक्षा का निम्न स्तर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसको भी कई बार जो है पूछा जा चुका है, आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में हो या फिर पॉलिटिक्स के में हो, हर एक जगह पर इस तरह सवाल पूछे जा गए हैं। सो देखो क्या कह रहा है कि किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं, किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं भाई, तो 1921 को, क्योंकि 1921 में जो है ना जब जनगणना हुई थी तो एकमात्र ऐसा जो है जनगणना वर्ष है कह सकते हैं जिस समय जनसंख्या में जो है वो वृद्धि की बजाय कमी आई थी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में कमी आ गई थी। अंतिम अवधि में देखा गया था इसमें क्या क्या कि भाई भारी गिरावट आया था जनसंख्या में, और इस तरीके से फिर उसके बाद जनसंख्या में लगातार भारत के अंदर में वृद्धि चलती रही। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1921 की जनसंख्या को ही, सॉरी 1921 का जो जनगणना हुआ था उसे ही महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में द ग्रेट डिवाइड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पर बात करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विकास की व्याख्या में विभिन्न आधार कौन से हैं। तो देखिए आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन कौन से जो है वो यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो एक है हमारा जीडीपी जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कह रहे हैं, सॉरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी इसको कहते हैं भाई, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे होते हैं हम लोग करते हैं, तो हमारा जो टोटल नेशनल इनकम होता है, टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं किससे, पॉपुलेशन से, तो यही बन जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स पीसीआई। ठीक है ना, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला यही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए ऑप्शन क्या, आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए हैं कि आर्थिक विकास को मापने के लिए जीएनपी हो या फिर जीडीपी हो, सकल घरेलू उत्पाद हो या फिर कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय हो या फिर आर्थिक कल्याण हो, इस तरह के जो है हम लोग इंडिकेटर को यूज में लाते हैं आर्थिक विकास को मापने के लिए। तो इनमें से सभी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत की जीडीपी में है ना सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो डेटा के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लीजिए, सबसे कम जो है आपका योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो है तृतीयक क्षेत्र का। हमने प्रायोरिटी के आधार पर बात किया, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है, और सबसे कम योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, और बीच में आप देखेंगे तो द्वितीयक जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं तो इसका योगदान है। समझ गए, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें व्यापार, आपका बैंकिंग सुविधाएं, बीमा वगैरह सब कुछ शामिल कर लिया जाता है, परिवहन वगैरह को। ठीक ना, चलो आगे जाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवीय संसाधनों है ना, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है। मैंने जो है पहले भी आपको बताया कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा कौन कौन डाल रहा है, उसी समय मैंने समझा दिया कि मानव पूंजी निर्माण होता क्या है। तो मानवीय संसाधन के विकास के लिए जरूरी होता है किस चीज़ का, तो शिक्षा की जरूरी होती है। किस चीज़ का, तो शिक्षा का, यानी कि एजुकेशन की जरूरत होती है, इसके साथ में स्वास्थ्य की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है, और प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। नौ क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं है। तो भारत में किस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती है, हमारे यहाँ तो कृषि प्रधानता होता ही है, निम्न प्रति व्यक्ति आय तो है ही, उच्च साक्षरता का दर नहीं है। तो यही हमारा जवाब सही होगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उच्च साक्षरता दर हमारे भारत की विशेषता नहीं है, हमारे यहाँ पर साक्षरता दर निम्न स्तर बना हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं या फिर हमारे जो देश के लोग हैं वो कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर है, इसलिए कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारत में, हमारे यहाँ पर तो उच्च श्रम अनुपात है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में। आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन संख्या 10, और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमने डाला हुआ था। सो देख लीजिए कह रहे हैं कि निम्न में से
आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है। देखिए, किसी भी देश में जो आर्थिक विकास होता है इसमें बाधा तभी उत्पन्न होगा जब हम संसाधन का जो है ना अपर्याप्त विदोहन करेंगे, अपर्याप्त प्रयोग करेंगे, यानी कि इनइफिशियंट वे में हम संसाधनों को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। कब? इनइफिशियंट वे में, यानी कि हम लोग इफिशियंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किए, तब जाकर के हमारे यहाँ पर आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, आर्थिक विकास की गति तेज नहीं होगी। दूसरी बात, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये जो है ना गरीबी, बेरोजगारी या फिर आर्थिक असमानता, इन सब में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं देश के अंदर में, इसका सबसे मूल जो जड़ है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना। और उससे भी तबाही तब मच जाता है जब हम इतनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों को यूटिलाइज नहीं करते हैं, यानी कि जो हमने फर्स्ट में बता दिया आपको। तो ये दोनों के दोनों जो है वो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते ही हैं। इसके साथ में जब देश के अंदर में बचत और निवेश का दर कम होगा तो पूंजी निर्माण ऑटोमेटिकली कम ही होता है, तो इसलिए पूंजी निर्माण की दर भी अगर जब कम होगा तो भी देश का जो है वो आर्थिक विकास बहुत तेजी से नहीं किया जा सकता, यानी कि ये भी आर्थिक विकास में बाधा डालता है, निम्न पूंजी निर्माण दर, यानी कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सो ए बी सी यहां पर तीनों सही हैं, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी आप लगा दीजिए, यानी कि उपरोक्त में से सभी। अब देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन पर हम आपको चर्चा कर देते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा रह सकता है आपका, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता है, वैसे आपको जानना भी जरूरी है चीजें इसके लिए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकासशील या आपके सॉरी हाँ विकासशील और विकसित देशों के बीच में आपको अंतर बताना है, भेद बताना है, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर कर लेंगे ना तो आपका एक चीज़ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कंसेप्चुअली इन दोनों पर अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कौन से देश को हम विकासशील बोलते हैं और कौन से देश को हम विकसित बोलते हैं, इसका जो है अंतर आपको जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो सकता है एग्जामिनेशन में रहे, कि अल्प विकसित देशों में क्या करें, अल्प विकसित देशों में, यानी कि जैसे विकासशील देश भी कह सकते हैं आप, तो विकासशील देशों में आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको नजर आ सकते हैं जो कि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, कहाँ पर, अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में। तो ये हो गया आपका टोटल के टोटल क्वेश्चंस। अब हम आपको एक कोटेशन भी दे देते हैं, मोटिवेशनल कोट से ध्यान रखिएगा यहाँ पर, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत होने की जरूरत जरूर होती है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि अभी से आपने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो धनाधन धनाधन हर एक कंसेप्ट को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आसपास में संसाधनों का भी विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद।